Okay, moving forward to a slightly complicated truss, which is example 6-2. Again, you need to determine the force in each member of the truss and indicate if the members are in tension or in compression. So, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, how many members you can identify जिससे मिलके ये truss बना है? Total number of members कितने हैं? 5 or 4. So, 5 members हैं, A, B, B, C, C, D, D, A और D, B. तो 5 मेंबर्स से मिलके आपके पास ये ट्रस जो है वो बन रहा है. ओके, व्हाट जॉइंट इज बेसिकली सेटिस्फाइंग दोस टू कंडीशंस जो कि हमें मेथड ऑफ जॉइंट से स्टार्ट करने के लिए चाहिए. सी पॉइंट. सो पॉइंट सी इज बेसिकली सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन, दैट इज वी हैव वन नोन लोड व्हिच इज दिस फोर्स ऑफ 400 न्यूटन एंड टू अननोन लोड्स, दैट इज FDC एंड FCV. आई होप के ये पॉइंट हर एक को क्लियर है. So we are going to start our analysis from point C. Point C के ऊपर मैं यही free body diagram हर joint की बना देता हूँ. So आपके पास एक अदद known load है और चूंकि बाकी दो unknown हैं, तो unknown के लिए हम assumption वही करेंगे कि they are going to be considered as tensile forces. So FCD को भी मैंने away from point C draw कर लिया, FCB को भी मैंने away from point C जो है वो draw कर लिए. Angles मुझे known है, अगर वो angle 45 है, it means कि FCB भी 45 बना रहा होगा. तो जॉइंट सी के लिए जब मैं समेशन एफ एक्स लिखूंगा तो क्या मुझे इक्वेशन मिलनी चाहिए? सर माइनस एफ सी डी एफ सी बी कॉस 45 प्लस एफ सी बी कॉस 45 शुड बी इक्वल टू जीरो. लेट मी कॉल इट एज इक्वेशन. ये सर सही एक्स एक्सिस की जी कुछ पूछ रहे हैं? सही इक्वेशन सर आपने किसकी निकाली सर? मैं जॉइंट सी को कंसिडर कर रहा हूँ, सो मैंने जॉइंट सी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है. सही सर. तभी ठीक है, अगर नहीं भी लिखते तो एटलीस्ट एरो वो बता रहा है कि आप किस एक्सिस को कंसिडर कर रहे हैं. ओके, नाउ राइटिंग दिस इक्वेशन फॉर वाई एक्सिस, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस? वन इज 400 न्यूटन FCB उससे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसी भी एक एंगल को ले सकते हैं. जी सेम हो जाएगा. सो एफ सी बी साइन 45 विद अ नेगेटिव साइन माइनस 400. ओके, वंस वी सॉल्व इट हमें एफ सी बी की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी नेगेटिव मिलेगी? नेगेटिव नेगेटिव मिलेगी. तो आपके पास वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी माइनस से 565.7 न्यूटन. व्हाट डज दैट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स नाउ? कंप्रेशन फोर्स. आपकी जो असम्पशन थी दैट वाज रॉन्ग और आपने उसको कंप्रेशन में कर लिए. ठीक है जी सर. ओके, सो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एफ सी बी इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? एफ सी डी क्या आएगा फिर आपके पास? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव. आपके पास नेगेटिव आ जाएगा. अगेन वो नेगेटिव माइनस 400 न्यूटन आ गया और अगेन नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि आपके पास FCD भी जो है वो. सर जी. सर ये जब हम FCB की फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे वैल्यू, नेगेटिव डालेंगे या पॉजिटिव? देखिए हम अपनी फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से लिख चुके हैं ना, तो हम इसकी वैल्यू नेगेटिव डालेंगे इस स्टेप में फॉर दिस फर्स्ट स्टेप. ठीक है चलें. सो अब मेरे पास थोड़ा सा गौर से देखें, मैं इसको रब कर देता हूँ. जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई थी, मेरे पास ये जो दो लिंक्स आए हैं एफ सी डी, ये भी कंप्रेशन में आ गया है, सो मैंने इसको सी से डिनोट कर लिए. एफ सी बी भी मेरे पास कंप्रेशन में आया था, सो मैंने इसको सी से डिनोट कर लिए. व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, किस जॉइंट पे हमें मूव करना चाहिए? पॉइंट डी, बिकॉज इट इज अगेन सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन कि वन नोन लोड है जो ये सी डी है और दो आपके पास अननोन लोड्स आ गए जो कि ए डी और डी बी आर है. ठीक है सर. अगर हम वो 45 डिग्री का अगर एंगल ले वो अगर एफ सी डी में, तो सर वो एक्स एक्सिस के अलोंग तो वो साइन 45 नहीं आएगा? देखिए आप कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, सी बी के एंगल की? यस सर. देखिए डिपेंड करते हैं ना, आप कहें मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ, अगर ये 45 है ये 90 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? यस सर, वो एक्स एक्सिस के अलोंग वाला तो फिर साइन 45 वाला हो जाएगा. यार ये एंगल अब मैं 45 कह रहा हूँ ना,
तो वही तो मैंने लिखा है। हाँ अगर आप कहते हैं कि मैंने x के साथ साइन लिखना है तो आप फिर ये वाला एंगल ले लें। तो असल में वो इमेजिन नहीं उसे सही कर रहा, वो समझ रहा है कि एंगल वो नीचे है। सर सादा अल्फाज में ये ना कि एंगल जिस एक्सिस के अलोंग है वहां पे कॉस लिखा जाता है। हां कॉस लिखा जाता है, इसीलिए मैंने 45 के बजाय आपको पिछली फिगर में अल्फा के साथ समझाने की कोशिश की थी ये चीज, अल्फा और बीटा के साथ, क्योंकि 45 से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, 45 से तो चीजें आसान हो जाती हैं, आप कॉस लें या साइन लें, इट विल गिव यू द सेम आंसर। ओके सो आपने अभी जिस तरह कहा, वी शैल मूव ऑन टू जॉइंट डी। जॉइंट डी की फ्री बॉडी डायग्राम जब हम यहाँ बनाएंगे तो आपके पास ये नॉन लोड है डीसी, बट ये कंप्रेसिव फोर्स आई थी, तो मैं इसको किस तरह बनाऊंगा? टुवर्ड द पॉइंट सर, टुवर्ड द पॉइंट। तो मैंने एफ सी डी को जो है वो टुवर्ड्स पॉइंट डी ड्रॉ कर लिया। ये चीज क्लियर है रेक को? यस सर। ओके बाकी दो अननोन्स हैं, तो बाकी दो अननोन्स को मैं अवे फ्रॉम जॉइंट डी जो है वो अज्यूम कर लूंगा। दिस इज एफ डी बी एंड दिस इज एफ डी ए, ठीक है। एफ डी ए का एंगल कितना है एक्स एक्सिस से? 30 डिग्री यार, डी ए का, ओके डी ए का 45 है जो आप एंगल बता रहे हैं वो डी बी का बता रहे हैं, तो डी बी का एंगल मैं 30 डिग्री जो है वो लिख लूंगा, ठीक है। इज इट क्लियर? एंगल सबको क्लियर है? सर ये एंगल कैसे है 30? सर वैसे assumption किया मैंने उधर, नहीं assumption नहीं की, आपके पास ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट बी है, ये एंगल आपको 30 डिग्री फिगर पे गिवन है, तो अगर वो 30 होगा तो ये भी 30 हो। चलें सो अब हम जब कन्वेंशनल एक्स वाई एक्सिस यूज करेंगे, सो व्हाट शुड बी अवर समेशन एफ एक्स इक्वेशन फॉर पॉइंट डी? जी क्या इक्वेशन होगी कोई बता सकते है? माइनस एफ सी डी। जी माइनस एफ सी डी, और एफ ए बी का कंपोनेंट आएगा, कौन सा कंपोनेंट आएगा? साइन 45 या कॉस 30? सॉरी मैंने एफ ए बी लिखा है, ए बी तो है ही नहीं वहाँ, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ एफ डी बी की। डी बी में कॉस 45 सर, कॉस कंपोनेंट आएगा सर उसका। डी बी का कॉस कंपोनेंट आ गया 30 डिग्री के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव? सर पॉजिटिव सर, पॉजिटिव सर, उसमें वो सही समझ नहीं आ रही थी फोर्स उधर किस तरह। अब समझ आ गई है? यस सर। अच्छा डी ए का कौन सा कंपोनेंट आएगा? साइन देखें आप डी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाए ना, अगर आपको सिग्मा एफ एक्स नहीं समझ आ रहा तो फिर मैं कहूंगा कि ये तो फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 और 3 हो गया। आपके पास जो ज्वाइंट डी है उसके ऊपर आपने एंगल्स किस तरह लिखे हैं? अच्छा एंगल्स का नहीं समझ आया, आपके पास एफ सी डी तो डायरेक्टली इस तरह आ गया था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है? यस सर, फ्री बॉडी डायग्राम समझ लग गई है। आपके पास ये एफ डी ए है, और एफ डी ए का अगर ये एंगल 45 था तो इट मींस कि ये वाला एंगल भी 45 होगा, ऐसे ही है सर? तो ये सारा एंगल जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनना चाहिए था ना, तो मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनाया है ना डी ए का एंगल। ओके ओके सर, ये कंप्लीट एंगल है, ठीक है। इसी तरह अब मैं अगर एफ डी बी की बात करूं तो एफ डी बी का एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री गिवन था फिगर में, इट मींस कि आपके पास ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ओके सर चलें, सो आपने समेशन एफ एक्स लिख ली, थोड़ा सा क्विकली कर देता हूं। ये आप जॉइंट डी को कंसिडर कर रहे थे, आपने उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, और उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आपने ये इक्वेशन लिख ली समेशन एफ एक्स के लिए, ये इक्वेशन लिख ली समेशन एफ वाई के लिए, जिससे आपको दो अननोन्स की वैल्यू डी बी और डी ए दोनों की वैल्यूज मिल गई, एक टेंशन में आ गई एक कंप्रेशन में आ गई। सो ओवरऑल आपके पास बी डी जो है, या मेन फिगर पे अगर हम आएं तो आपके पास सबसे पहले सी बी, स्टेप नंबर वन में आपने सी बी फाइंड किया था वो कंप्रेशन में था, ये भी आपके पास कंप्रेशन में आ गया, डी बी आपके पास टेंशन में आई, और डी ए आपके पास कंप्रेशन में आ गया। अब हमें कहाँ नेक्स्ट मूव करना चाहिए, कौन सा एक पॉइंट ए सर? जी अब हम क्या मैं पॉइंट बी पे मूव कर सकता हूँ? सर वहाँ पे अननोन ज्यादा सही रहेगा, बी सही रहेगा, क्यों? तो ही है सर वहाँ पे तीन अननोन है, बी पे सर तीन अननोन है, ए पे कम है, दो सपोर्ट रिएक्शन बी एक्स बी वाई और एक एफ ए बी आपके पास अननोन है, तो लिहाजा आप ए के ऊपर मूव करेंगे, ए की अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये आपके पास ए वाई आ जाए जो कि एक सपोर्ट रिएक्शन है रोलर की वजह से,
देन एफ ए बी चूंकि अननोन है, आपने इसको टेंसाइल फोर्स के तौर पे अज्यूम करके अवे फ्रॉम पॉइंट ए जो है वो ड्रॉ कर दिया. व्हाट अबाउट एफ डी ए, ये कंप्रेसिव आई थी या टेंसाइल आई थी? सर कंप्रेसिव आई थी सर, ये टुवर्ड पॉइंट ए होगा सर. तो टुवर्ड्स पॉइंट ए मैं इसको जो है वो ड्रॉ कर लूंगा. सो दिस इज गोइंग टू बी एफ डी ए. सो आपकी ये फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगी फॉर जॉइंट ए. सो सिंप्लीफाइंग दैट डायग्राम आप समेशन एफ एक्स करेंगे, उससे आपको एफ ए बी की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आपके पास अगेन कंप्रेशन में आ रहे हैं. सो ओवरऑल अगर मैं पांच लिंक्स की बात करूं तो चार लिंक्स आपके पास कंप्रेशन में है, एक आपके पास टेंशन में आ रहे हैं. क्लियर है? यस सर. तो अब मुझे पॉइंट बी को सॉल्व करने की जरूरत है? नो सर. जी अगर मुझे क्वेश्चन में कहा जाता कि सपोर्ट रिएक्शंस भी डिटरमिन करें तो फिर तो मैं पॉइंट बी को कंसिडर करता, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाता, लेकिन चूंकि सपोर्ट रिएक्शंस अलग से पूछे नहीं गए तो लिहाजा कोई जरूरत नहीं है कि आप बी एक्स और बी वाई जो है वो डिटरमिन करेंगे.